ना कंबल चला, ना पैसा चला, ना दारू चला, यहाँ तक कि बिंदी तक चलने लगी, लेकिन उसका भी फायदा नहीं मिला। बाहुबली आदमी को हराने के बाद जो खुशी होती है वो पूरे शहर में नजर आ रही है। जो शराब पे फैक्ट्रियां लगा रहे थे, खनन कर रहे थे, उनको देख के उन्हें लगता था कि यह आभा मंडल जो है पूरा धामी जी का है। उसी घमंड में चूर होके वे गरीब प्रत्याशी को कुछ समझ नहीं रहते, जो पिछले 10 साल से घर घर जाके गाँव गाँव जाके अपनी मेहनत कर रहा था। गीता धामी से जब पूछा गया था यहाँ पर आकर कि आप भुवन कापड़ी जी को कितनी टक्कर में देख रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, आप विधायक बन चुके हैं भुवन कापड़ी जी, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ से मुख्यमंत्री को हराया। भुवन कापड़ी जी जो 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उसको हमने आज मुकाम पा लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं भुवन कापड़ी जी के जो कार्यालय है उसके बाहर। यहां पर उनके काफी समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त कैसी खुशी इनके बीच है और कैसा माहौल बना हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रवीश भटनागर। कैसी खुशी हो रही है सर? कितनी खुशी हो रही है? कैसा माहौल आपको देख के क्या कुछ लग रहा है? खुशी हो रही है और पूरे शहर को और पूरे विधानसभा की खुशी देख के वो खुशी 10 गुनी हो जा रही है। भुवन कापड़ी एक ईमानदार गरीब परिवार के व्यक्ति थे, एक अमीर और बाहुबली आदमी को हराने के बाद जो खुशी होती है वो पूरे शहर में नजर आ रही है। तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ, आपको कितनी खुशी हो रही है? देखिए, सीएम धामी को हराकर उन्होंने मतलब अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ से मुख्यमंत्री को हराया। भुवन कापड़ी जी जो 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उसको हमने आज मुकाम पा लिया है और हमने एक विधायक को नहीं मुख्यमंत्री को हराया, इस बात की हमें बहुत खुशी है। सर, मैं जान लेती हूँ आपसे भी, क्योंकि गीता धामी से जब पूछा गया था यहाँ पर आकर कि आप भुवन कापड़ी जी को कितनी टक्कर में देख रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, आप विधायक बन चुके हैं भुवन कापड़ी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो गलत फहमी में जी रही थी इस बार खटीमा में, वो टक्कर की बात कह रही थी और वो खुद ही चक्कर में पड़ गई है। इस बार कोमा में चली गई हूँ मुझे लगता है। हमने खटीमा से भ्रष्टाचारी विधायक को हटाया है और भ्रष्टाचार जो पूरे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बन के उन्होंने किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है सर कि देखिए, मुख्यमंत्री को हराना कोई छोटी बात तो है नहीं, और वो हारे भी काफी मतों से, 6000 कुछ वोटों से उनको हरा दिया गया है, क्या कमी आपको नजर आई है? देखिए, इस बार जनता ने धन बल की जगह जनबल को ज्यादा वो दे रखा है, प्रोत्साहन ज्यादा दे रखा है। इस बार धनबल बिल्कुल नहीं चला, जनबल चला है। और जनता जो है, जनता ने चुनाव जो है, जनता चुनाव जीती है इस चुनाव को। हर जो कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का, वो भुवन कापड़ी बनके यहाँ पर चुनाव लड़ रहा था और जनता ने उसको आगे बना, विधायक बना के यहाँ से आप मान रहे हैं कि ईमानदारी से जनता के बीच में रह के आप लोग रहे तो जनता ने आपको जिताया? जी जी, बिल्कुल। और भी यहाँ पर कार्यकर्ता, इनसे भी मैं जान लेती हूँ। सर देखिए, राज्य के मुखिया जी तो आप हार चुके हैं और साथ ही विधायक बन गए भुवन कापड़ी जी, कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत खुशी है। और एक दो बार विधायक रहे और एक बार मुख्यमंत्री हैं, उनको हराना बहुत बड़ी बात है, और वो भी कम वोटों से नहीं, 7000 वोटों से। देखिए, आप लगातार उनके साथ हैं और लगातार जनता के बीच में भी जा रहे होंगे, तो जनता को क्या मैसेज, क्या आभार, कैसे, किस तरीके से व्यक्त करना चाहेंगे जनता का? जनता ने जो काम किया इस बार वो बहुत अच्छा काम किया। ना कंबल चला, ना पैसा चला, ना दारू चला, यहाँ तक कि बिंदी तक चलने लगी, लेकिन उसका भी फायदा नहीं मिला। गरीब परिवार से जो था उसको देखा जनता ने, इसलिए मैं जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर, मैं आपसे जान लेती हूँ कि देखिए, गीता धामी जी ने जो कुछ भी कहा था और भुवन कापड़ी जी को वो टक्कर में नहीं समझ रही थी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? घमंड और उनका जो घमंड कह लो, अति आत्मविश्वास कह लो, और धनबल के बल पे, और जो उनके साथ बाहुबली लोग चल रहे थे, पैसे वाले लोग चल रहे थे, जो शराब पे फैक्ट्रियां लगा रहे थे, खनन कर रहे थे, उनको देख के उन्हें लगता था कि यह आभा मंडल जो है पूरा धामी जी का है। उसी घमंड में चूर होके वे गरीब प्रत्याशी को कुछ समझ नहीं रहते, जो पिछले 10 साल से घर घर जाके गाँव गाँव जाके अपनी मेहनत कर रहा था, अपनी आजीविका से लोगों की मदद करता था, उसको बड़े हल्के में ले रहे थे। और परिणाम सामने, खटीमा का इतिहास रहा, यहाँ की जनता आंदोलनकारी है। उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई खटीमा से शुरू हुई थी, पूरे प्रदेश में चली। किसानों के आंदोलन की लड़ाई खटीमा से शुरू हुई, पूरे प्रदेश में चली, तो यहाँ के लोगों ने इसे भी एक आंदोलन की तरह लड़ा और आंदोलन के रूप में इतिहास बदल कर रख दिया। ये उनको अब समझना चाहिए कि धनबल और घमंड के बल पे नहीं चुनाव जनता का काम करके जीता जाता है, प्यार से जीता जाता है। तो सर, अब क्या मान ले, देखिए भुवन कापड़ी जी यहाँ के विधायक हो गए हैं, अब तो क्या खटीमा की जनता विश्वास कर ले कि यहाँ उनके मुद्दों को लेकर आगे जाया जाएगा और उनका भी विकास होगा?
बिल्कुल करना चाहिए उनको विश्वास, और करेगी, क्योंकि भुवन कापड़ी जी ने युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह के काम करा, मंडी समिति के चेयरमैन रहे, बहुत सारे काम किए, विश्वास है, पूरे विधानसभा की समझ है उन्हें, जातिगत भी और क्षेत्र के आंकड़े के हिसाब से वो हर चीज़ जानते हैं, काम कराने का रुतबा उनके अंदर है और वो जज्बा उनको लेके जाएगा और काम करेंगे लोगों का। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि गीता धामी जी ने जो पहले कहा था कि वो भुवन कापड़ी जी को किसी टक्कर में नहीं देखती है, उसका भी करारा जवाब अब इस वक्त मिल चुका है। ऐसे ही प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।